जिला मंडी में एसपी सौम्या सामशिवन ने आत्महत्या के बढ़ते मामलों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। उन्होंने यह बताया कि यदि आपके आसपास कोई व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान दिखता है और वो आत्महत्या जैसा कदम उठा सकता है तो आप उस व्यक्ति को ऐसा कदम उठाने से रोक सकते हैं। ऐसे लोगों की जानकारी के लिए मंडी पुलिस ने 1553-26 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। मंडी जिला पुलिस इस तरह का हेल्पलाइन नंबर जारी करने वाली प्रदेश की पहली जिला पुलिस बन गई है। आज मंडी पुलिस ने आत्महत्या की रोकथाम के लिए एक हेल्पलाइन जारी की है जिसका नंबर 155326 है। जो आंकड़े सामने आ रहे थे वो थोड़े चिंताजनक थे और ये देखा गया कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुष ज़्यादा आत्महत्या कर रहे थे और 18 से 30 साल की उम्र के बीच में सुइसाइड रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। हमने इनके कारणों को जानने का प्रयास किया क्योंकि समाज के प्रति जो मनुष्य का अलगाव है जिसकी वजह से ये आत्महत्याएँ हो रही थी, ये हमारे लिए क्राइम डेटा को भी इंक्रीज़ कर रहा था। हमने ये पाया कि जो इसके रीजंस मुख्य रूप से रहे हैं वो सबसे अधिक रहे हैं रिलेशनशिप इश्यूज़, सोशल मीडिया की डेवलपमेंट के बाद और अन्य इंटरनेट के अन्य प्रसाधनों के डेवलपमेंट के बाद बहुत ज़्यादा लोगों में समाज के प्रति एक अलगाव पैदा होता है और इसमें सबसे बड़ा कारण ये पाया जा रहा है। उसके अलावा फैमिली इश्यूज़, फैमिली के अंदर डिस्प्यूट्स के इश्यूज़ और अनएम्प्लॉयमेंट और थोड़ी बहुत पॉवर्टी, ये भी इसका एक मुख्य कारण माना गया है। इसके अलावा जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं समाज की, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एग्ज़ाम में पास ना होने की वजह से जो आत्महत्याएँ हो रही हैं या फिर कुछ इंक्वायरीज़ की वजह से कुछ आत्महत्याएँ हो रही हैं, इनकी तादाद कम है लेकिन रिलेशनशिप इश्यूज़ इसमें मुख्य तौर पर सबसे आगे देखे गए। यहाँ पर आत्महत्या के आंकड़े चिंताजनक दिखाई पड़ रहे थे और अभी तक इस साल 90 सुइसाइड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। इसकी रोकथाम के लिए ये हेल्पलाइन के पास हमारे पास बैकएंड की एक टीम रहेगी जो कि कंट्रोल रूम इसको हैंडल करेगा और उन्हें अच्छे से जो है काउंसलिंग के लिए ट्रेन किया गया है। उसके बाद जो लोकल SHOs हैं जो वहाँ पर पहुँचने का प्रयास करेंगे और यहाँ मंडी के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साइकाइट्रिस्ट हैं उनको भी हमने अपनी टीम में रखा है और वो भी काउंसलिंग में शामिल होंगे। हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम इन आत्महत्याओं को थोड़ा भी यदि कम कर सकें तो हम इस प्रयास को सफल समझें। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स 16।